साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल में तबीयत नासाज। हुकूमत का नवाज शरीफ को जेल से PIC मुंतकिल करने का फैसला। महकमे दाखिला ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल के आरजे के बायस PIC मुंतकिल करने का फैसला किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज वालिद की नासाज तबीयत पर अफसरदा, ट्विटर पर फ्री नवाज शरीफ के स्लोगन से नवाज शरीफ की तस्वीर भी जारी कर दी। नवाज शरीफ को अंजाइना का अटैक होने पर स्प्रे दिया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि वो अपनी तकलीफ का किसी को बताएंगे ना ही शिकायत करेंगे। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनकी सेहत के हवाले से हुकूमती रवैया हैरान कुन है। मरियम नवाज का ट्वीट, नवाज शरीफ ने कहा वो सिर्फ चक्कर लगाने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहते। मरियम नवाज और डॉक्टर अदनान ने जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत का मामला, तर्जुमान पंजाब हुकूमत डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द अमल। कहते हैं नवाज शरीफ पंजाब के जिस अस्पताल में चाहें इलाज करवाया जा सकता है, मगर नवाज शरीफ की जानिब से इलाज से मुकम्मल इनकार किया गया। साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान को तिब्बी मुआयने के बाद नायब हुकाम ने जेल में मुंतकिल किया। एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान अब्दुल अलीम खान के वकील ने कैंप जेल के बजाय कोर्ट लखपत जेल में मुंतकिल करने की इस्तदा की थी। हिंदू बरादरी के खिलाफ मुतनाज़िया बयान, पड़ गया भारी। फैयाज़ुल हसन चौहान की छुट्टी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर इत्तला'आत फैयाज़ुल हसन चौहान से इस्तीफा मांग लिया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। शमसाम बुखारी को वज़ीर इत्तला'आत पंजाब बनाने का फैसला, कल गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने भी फैयाज़ुल हसन चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिदायत की। वज़ीर आज़म अपनी अना के घोड़े से नीचे उतरें, कोई NRO नहीं मांग रहा। अगर इस वक्त यकजहती को नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म होंगे। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की और पाक फौज ने जवाब दिया। मोदी हुकूमत पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमें मुनासिब सिफारतकारी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम तनहा हुकूमत के लिए टारगेट हासिल करना मुश्किल, प्राइवेट सेक्टर के तआवुन से ही मंसूबा मुमकिन होगा। हाउसिंग फाटा LDA कवानीन भी जल्द बदल दिए जाएंगे। सूबाई वजीर मियां महमूदुर रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले वजीर आजम की ख्वाहिश है हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएं। और खेल के मैदान में भी भारत की पसपाई, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत की रुकनीत मुअत्तल कर दी। भारतीय हुकूमत को यकीन दिलाना होगा वो किसी मुल्क के खिलाफ तासुब नहीं रखेगा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग।